हाँ तो कल है झारखंड में वोट और जिसका तैयारी पूरा भैया जोरों से कर रहे हैं, तो पूरा जो भी पर्ची आया है तो कटी वगैरह वो सबको काट रहे हैं, तैयारी चल रहा है। मैं भी एकदम परफेक्ट, मैं भी बहुत ही अच्छे टाइम पे आई हूँ, पहुँची हूँ कि मैं भी वोट दे सकती हूँ। ये मेरा सेकंड होगा, तो ये हम भी देंगे कल वोट, तो दिखाते हैं कल का क्या माहौल होगा। फिलहाल तो मैं आई हूँ घर पे, बैठे हुए हैं। आज है 12 तारीख, सॉरी तो आज है 13 तारीख और आज है वोट का दिन, और मैं भी वोट देने के लिए जाऊंगी, भाभी भी जाएगी। लेकिन भाभी तो तैयार भी हो गए थे जाएंगे करके, तो लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है शायद, तो थोड़ा भीड़ कम होने दे रहे हैं। तब तक हम लोग नाश्ता बना रहे हैं, पूरा चिल्ड्रन पार्टी हम लोग का नाश्ता चल रहा है, मैगी नाश्ता। तो ये मेरे तीन बंदरिया को करना है, खाना है मैगी, तो मैं मैगी बना दे रही हूँ। हम लोग का चूल्हा, हम लोग का चूल्हा तो मैं क्या ही दिखाऊँ, कड़वा दिख रहा है। तो हम बनाएंगे चूल्हा में मैगी, ये बंदरी, फिर और एक जन बंदर, फिर और एक वो दे आ रहे हैं वो बंदर के लिए, फिर और एक बंदरिया के लिए उसके लिए मैगी लेके आए हैं बहुत सारा। तो मैं भी बनाऊंगी 8 पैकेट, ये बंदर भी खाएगा मैगी। चार तो मैं किसी भी टाइम बस मेरा टाइम पास। तो जल्दी से बना देती हूँ मैगी। मेरे तीनों बंदरिया बैठ गए हैं, मेरे तीनों बंदर मैगी लेके, उधर ये बंदरिया इसको तो देखिए कैसे खा रहा है, ये मेरा मुन्नू तो कैसे खा रहा है। कैसे लग रहा बेटा? बहुत अच्छा लगा। तो अभी भाभी अभी बारी है अपनी, अपनी बारी है, सबसे आगे हम वोट देके अभी मैं जाऊंगी, क्योंकि घर को अभी ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, बाहर में धान सुखाए हैं, नहीं घर का मेरे को हता भी नहीं है, घाटी भी नहीं है, धान को नहीं घाटी है बोल रही है भाभी, घाट देती हूँ। तो अभी चाची लोग सब कोई आ गए हैं, तो मैं कौन है इतना बरका करके रखे हैं, तो बैल घुसता है बहुत ज़्यादा। हम लोग का गेट थोड़ा अच्छे से नहीं है, अगर गेट भी चलो थोड़ा सा अच्छे से है तो फिर बकान साइड से बैल घुस जाता है ना, तो फिर तभी धान भर लेते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The सरकार चुनने तो फाइनली भाभी अभी जाके आ गए हैं, तभी जा रही हूँ मैं मम्मी लोग के साथ में, भाभी लोग के साथ में, बड़ी भाभी लोग के साथ में। तो अभी हम चलते हैं वोट देने फाइनली, ये मेरा दूसरी बार है, तो चलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है यार, तो फाइनली मैं जा रही हूँ, छाता भी ले ली हूँ, स्टॉल भी ली हूँ, पानी बोतल भी ले ली हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी, ख्याल रखना है, क्योंकि अभी मुंबई से आई थी कि नहीं पता नहीं, कुछ तो धूप नहीं सहन हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा पैर बहुत ज़्यादा गर्म गर्म लू के माफ़ी लग रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए जा रही हूँ। तो बने रहिएगा आप लोग और चलते हैं हम वोट देने। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं, और हम लोग का ना जहाँ पर वोट देने के लिए जा रहे हैं वहाँ चर्च है, बहुत दूर है, तो हम लोग को जाते जाते ही हालत ख़राब हो गया लगता है। भाभी भाभी तो छाता ना गमछा नहीं कोनो नहीं, तो सब के निकल चुके हैं।
इतना धूप में हालत खराब रे पापा। और इधर है दीदी लोग का घर, तो दीदी लोग नहीं है, नहीं तो दीदी लोग के पास घूमते थोड़ा घुसते पानी नहीं पीने के लिए, खातिर गाड़ी करवाते सबसे। इधर मम्मी इधर नानी सबको ही पहुँच रहे वोट देने। तो फाइनली अपन धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हमने वोट दे दिया, हमने वोट दे दिया, हमने वोट दे दिया। भाभी भी वोट दे दी, इधर नानी लोग भी दे दिए उधर। और इधर है मेरा बचपन का चिल हॉट फ्रेंड बोल सकते, मेरा क्लासमेट जयसु। क्या ब्लॉग शूट चल रहा है मेरा? गणेश तुम के साथ हम लोग ना बचपन में पढ़ाई करते थे पहले दूसरी क्लास में। तो गणेश कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा है, पढ़ाई किए थे मस्त। शर्मा रहा है नहीं तो बहुत बात हुई। तो गणेश लोग तो यहाँ पे बड़े आदमी बन गए हैं रे बाबा। वो लोग को तो पूरा ड्यूटी व्यूटी लगा है, हम लोग सब बटियन हो गए हैं। परदेसी जीवन जी जी के वो लोग तो मस्त घर में ही रहते हैं, और घर में ही वो लोग को कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। लड़के हैं यार, वो लोग कहीं भी जाना ना कर सकते ना। मेरे मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ इधर उधर जाना ना, क्या करें। तो हम लोग का वोट हो गया, तभी हम जा रहे हैं घर। पीछे दे दें तो अभी हम लोग सबको वोट दे दिए। और अभी हम लोग मम्मी, बड़ी भाभी, नानी, हम जा रहे हैं आगे बस्ती की ओर। एक मामा का तबीयत ठीक नहीं है, जिनको देखने के लिए थोड़ा जा रहे हैं। तो हम लोग का पारिस चर्च होते हुए जा रहे हैं। मैं तो पापनी कल चर्च भी नहीं आई थी पापनी। अभी थोड़ा मेरे को उठने का टाइम टेबल थोड़ा जमा तो ठीक लग रहा है, लेकिन कल आना पड़ेगा क्योंकि कल हमारे घर के जस्ट बगल में हमारे कल्याण बाबू जी का शादी है, तो उसके लिए आएंगे। तो चलते हैं मामू को देखने। हम लोग मेन रोड, मेन रोड आजकल थोड़ा प्रोग्रेस में ही लगता है डूमट्टी। कल कल्याण बाबू का शादी है, जिसके वजह से पूरा भाभी लोग यहाँ पे शॉपिंग किए। शॉपिंग वो भाभी दिखा दे बोल रही है, तो दिखा दे रहे, देखिए भाभी का शॉपिंग किया हुआ। तभी हम जा रहे हैं मामू को देखने के लिए। मामू का तबीयत खराब है, तभी हम सब परिवार जा रहे हैं मामू को देखने। मामू को देख लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे अपनों को। ऐसे कभी भी आते थे तो एकदम हमें सब बात करते थे, कैसे हो कैसे नहीं, एकदम जान छिड़कने जैसे करते थे। अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि बेचारे एक बार हालचाल भी नहीं पूछ पा रहे हैं कि हाँ कैसे हो, तक भी नहीं बोल पा रहे हैं, इतना उनका ऐसा स्थिति है। हॉस्पिटल लेके गए थे कुनकुरी, 3 दिन तक रखे थे, तो थोड़ा ठीक हुए हैं तो लेके आए हैं, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी फिर से हम लोग का पूरा बटालियन निकल गया है आज। पूरा मम्मी लोग को भी हम लोग घुमा रहे, इतना चर चर धूप में। भाभी को थोड़ा काम है यहाँ पे, संदीप भैया लंग के यहाँ, तो यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग पूरा जंगल झाड़ होके नहीं बट। तो मम्मी लोग को भी घुमा रहे पूरा धूप धूप में, ये हम लोग की ठेपनाहीन की वजह से, भाभी की वजह से धूप में घुमा रहे सब लोग को। तो हम लोग वोट दे के आ गए, वोट दे के आ गए हम लोग। भैया भी वोट दे के आ गए, भाभी भी वोट दे के आ गए, हम लोग सब गए थे, मम्मी भी गई थी, बाबू भी। फाइनली अपन आ चुके हैं शाम को। हम लोग का इवनिंग मस्ती थोड़ा चल रहा है, और पीछे बाबू का मड़वा वड़वा आ गए हैं, और इधर से हीरोइन लोग आ रहे हैं, वो लोग भी वोट देने गई थी, सब वोट देने। हाँ तो हेलो तो बोल दो, फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आ रहे हो। तो मेरे आगे बस्ती की फ्रेंड लोग, मेरे जूनियर लोग और मेरे सीनियर दीदी लोग, उसी के भैया से मिली थी उस टाइम में, जिसका वहाँ पे ड्यूटी लगा हुआ था। तो जा रहे हैं वो लोग, और अभी तो अपन ऐसे ही खड़े हैं, हम लोग का यूँ ही टाइम पास गाँव में, क्या ही करेंगे, चिंता बनी हुई जैसे खड़े हैं बैठे हैं। कल है शादी, कल नाचेंगे, देखते हैं नाइट में जा सकते हैं। यहाँ पे बगल में शादी है एक भाई का, सब शादी कर रहे हैं, मैं बुढ़िया आ रही हूँ, मैं छोटे छोटे लोग शादी कर रहे हैं, वो बाबू का वो भी छोटा है, सब छोटे लोग शादी कर रहे हैं, मैं बुढ़िया आ रही हूँ।
चलेगा चलेगा, करेंगे अपन भी शादी हम लोग। देख देख मेरा आशिक बेटी थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। थोड़ा सा इतु बड़ा हो जाएगा ताकि नाचेगा वो, तब तक शादी नहीं करूंगी। चली बुढ़िया जावे मर्द कहते बुढ़िया जावे। तो भी लगाए थे उस टाइम धरने तक नहीं आता था हमको। सही बोले। तो कल है बाबू का शादी है जिसकी जिसका तैयारी पूरा चल रहा है, और मेरी बेस्टी जान सादिया बहुरिया को मेहंदी लगा रही है। तो ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में शादी।